तो भाई लोग आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो मैच नंबर 20 है ना, इसमें जो दोनों टीमें हैं ना, दोनों की लुप 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 हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इंग्लैंड अफगानिस्तान से रिल के आया है, तो साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से पिल के आया है। अगर हम इन दोनों टीमों की बात करें, दोनों टीमें ना ऐसी टीमों से हार कर आई होंगी जिसको सोचने के बाद ना इनको नींद ना आ रही होगी कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्यों हार गया। भैया हार गए, इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने फेला और साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड ने रेला। तो भैया दोनों टीमें उस गम को भुला के आज के मैच को जीत कर उबरना चाहती हैं, उस दुख से वर्ल्ड कप में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन आपको पता है ना, दोनों में से कोई एक ही जीतेगा, एक हारेगा, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा यही तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखकर आप 5100 रुपये का गिवअवे अपने नाम पे कर सकते हैं। आपको करना क्या है, पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो के बीच में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, उस सवाल का सही सही जवाब देना है, 5100 रुपये आपके हो सकते हैं। तो चलो आगे बढ़े, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड टू हेड। तो भाई लोग साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच में अभी तक 64 ओडीआई मुकाबले खेले गए, जिसमें से इंग्लैंड ने 33 मैच जीता, 33 साउथ अफ्रीका जीता, एक मैच टाई रहा। मतलब जब साउथ अफ्रीका इंग्लैंड ओडीआई में आमने सामने आते हैं, जो लड़ाई रहती है ना वो बिल्कुल बराबरी की रहती है। वर्ल्ड कप की बात करें तो इनके बीच में 7 बार आमना सामना हुआ, 4 मैच इंग्लैंड जीता, 3 मैच साउथ अफ्रीका जीता। यानी वर्ल्ड कप में भी जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, तब भी जो लड़ाई होती है बिल्कुल बराबरी की होती है। इन इंडिया भारत की पे इससे पहले इनके बीच में एक मैच खेला गया जिसे इंग्लैंड ने अपने नाम पे किया, यानी इंग्लैंड बोलेगा ओ अफ्रीकन, हमने तो आपको पहले भी यहां पे इंडिया की सरजमी पे हरा दिया। लेकिन लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो इंग्लैंड ने 2 मैच जीता, साउथ अफ्रीका ने जीते 3। अगर हम यहां पे लास्ट 5 मुकाबलों की कहानी की बात करें तो साउथ अफ्रीका है ना बिल्कुल इन्ना अंग्रेजों से आगे नजर आ रहा था। भैया आज के मैच में क्या होगा, या साउथ अफ्रीका मैच जीतेगा फिर से आगे निकल जाएगा, या इंग्लैंड बोलेगा ना जी ना, अगर हम अंग्रेज हारे तो जो पिछले साल के चैंपियन है उनकी बड़ी बदनामी होनी है। तो भैया जोस की जो सेना है, यानी बटलर की जो सेना है, वो बदनामी ना कराएगी, इस मैच को कैसे भी करके जीतेगी। चलो जानते हैं कैसे होगा आज का मैच, कैसे चलेगा, कौन सी टीम जीत सकती है। लेकिन उससे पहले इत्थे भाई का जो चैनल है ना, इत्थे सब्सक्राइबर का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो सपोर्ट करना बनता है ना, और करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में जबरदस्त मैचेस चल रहे हैं, और जबरदस्त मैचों की जबरदस्त प्रेडिक्शन कहां पे मिलेगी, मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, या फिर जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पे जो लिंक मिलेगी, वहां से भाई का टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो। तो भाई लोग ये जो मैच है सैटरडे 21 अक्टूबर इंडिया टाइम अनुसार 2 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं, और यह मुकाबला खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। इस मैदान पे अभी तक 23 ओडीआई मुकाबले खेले गए, जिसमें से 12 मैच में क्या हुआ, टारगेट डिफेंड, 11 मैच में क्या हुआ, टारगेट चेज। मतलब इस मैदान पे चेज और जो डिफेंड की कहानी है ना बिल्कुल बराबर से दौड़ती रहती है, बिल्कुल बराबरी से होता है। मतलब यहां का जो पिच है, चाहे पहले बल्लेबाजी करो बाद में बल्लेबाजी करो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर ड्यू ना आए तो। एवरेज स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 265, 265 रन, मतलब ठीक ठाक यहाँ पे स्कोर बनता है। टारगेट चेज की बात करें 250, 250 के नीचे स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकते हैं। टारगेट डिफेंड की बात करें 280, 280 प्लस स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। आप सोचोगे अच्छा 250 से 280 के बीच में होगा तो क्या होगा, बताओ भाई साहब, तो समझ लेना मामला बराबरी का है, चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहाँ का जो सरफेस है ना वो ग्रोस है, ग्रोस के साथ हम कहेंगे कि थोड़ा सा फ्लैट भी है। मतलब जब मैच स्टार्ट होता जब तक बॉल न्यू होता, जो तेज़ गेंदबाज होते हैं ना, जो उनकी बॉल होती है वो स्विंग करती है शुरू में। मतलब बल्लेबाजी करना न्यू बॉल से थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि तेज़ गेंदबाजों को स्विंग करता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता बॉल की शाइनिंग ख़त्म होती है, जो बॉल है ना बैट पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है बैटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 62 मीटर से 72 मीटर की, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बाउंड्री भी नहीं है, तो चौके छक्के यहाँ पर लगते ही रहते हैं। इसलिए भाई लोग यहाँ के मैदान पे जो मैच होता है ना वो आपको थोड़ा सा हाई स्कोरिंग देखने को मिलेगा। शुरुआत के पावर प्ले में हो सकता है रन कम बने, क्योंकि उस टाइम पे जो तेज गेंदबाज है उनकी बॉल स्विंग करती है, तो 1 से 10 ओवर में आपको 45 से 50 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है। 40 ओवर स्कोर की बात करें तो 170 से 190 के बीच में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें 50-50 ओवर स्कोर की तो 280 से 310 के बीच में देखने को मिल सकता है। मतलब जो आज का मैच होगा ना ये आपको थोड़ा सा हाई स्कोरिंग देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ के मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो
तो इंग्लैंड ने यानी अंग्रेजों ने 3 मैच खेला, 2 जीते 1 हारे, यानी जो अंग्रेजों की परफॉर्मेंस होती है वानखड़े के मैदान पे अभी तक तो जबरदस्त रही है भैया। 3 में से 2 जीता, बस 1 हारा। साउथ अफ्रीका की बात करें तो 4 मैच खेला 1 जीता 3 हारा, यानी जो साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस होती है वानखड़े के मैदान पे अच्छी नहीं लगती। तो साउथ अफ्रीका वाले कहते हैं यार जो वानखड़े का मैदान है ना, आई डोंट लव, मेरे को पसंद ही नहीं है। इंग्लैंड वर्सेज साउथ अफ्रीका इस मैदान पे पहली बार भिड़ेंगे, या पहली बार भिड़ेंगे वानखड़े के मैदान पे तो क्या होगा, चलो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इंग्लैंड की, तो अंग्रेजों के खेमे में देख रहे हो, मुझे लगता है 3-4 चेंज हो सकते हैं। पहले चेंज की बात करें तो मुझे लगता है जॉनी वेस्टो की जगह पे बेन स्टोक आएंगे, तो हैरी ब्रुक ओपन करेंगे। दूसरे चेंजेस की बात करें तो मोइन चच्चा आएंगे क्रिस वॉक्स की जगह पे, एंड सैम करन की जगह पे मुझे लगता है डेविड बिली आएंगे। ये 3 चेंज हो सकता है, और हो ना हो मुझे लगता है मार्क वुड की जगह पे ना, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला चेंज है कि मार्क वुड की जगह पे गस अटकिंसन भी खेल सकते हैं, क्योंकि जो गस अटकिंसन है ना उनकी जो स्विंग है बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, और मार्क वुड के पास सिर्फ तेजी है, तेजी के अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं, और मुंबई की पिच पे जितना तेज फेंके जाएंगे उतना तेज रेले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये 4-5 चेंज हो सकता है, या 3-4 चेंज हो सकता है अंग्रेजों के खेमे में। वहीं तो अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका लगता नहीं है ज़्यादा चेंजेस करेगा, मुझे लगता है सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगा। अगर चेंज करना हो तो 1 चेंज हो सकता है, केशव महाराज की जगह पर तब्रेज शम्सी, या फिर गिलाज कोडजे की जगह पे तब्रेज शम्सी, बस ये 1 चेंज हो सकता है, जो कि मुश्किल लग रहा है, मुझे नहीं लगता करेगा, क्योंकि यहाँ का जो पीछे तेज गेंदबाजों के लिए बेहतर है। तो सेम प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका जा सकता है आज के इस मैच में। तो अपने पास दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आ गई, अब करते हैं कंपेरिजन। तो भैया इधर होंगे हैरी ब्रुक, जो रनों के हैं भूखे, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, किसी भी नंबर पर इनको खिलवा दो। पिछले मैच में 1 मैन आर्मी की तरह खड़े थे लेकिन मैच ना जीता पाए, एक्सपीरियंस इनको ठीक ठाक हो चला है। करंट फॉर्म की बात करते, इनकी जो करंट फॉर्म है वो भी बढ़िया है। और इधर है क्विंटन डिकॉक, डिकॉक भैया जो खतरनाक बल्लेबाज है ना, अच्छे अच्छे को मतलब गेंदबाजी धज्जियों को उड़ा देता है। एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत अच्छा है, जो करंट फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही, पिछला मैच हटा दिया जाए तो सभी मैचों में रन बना के आ रहे हैं, साथ में बढ़िया विकेट कीपिंग करते हैं। तो क्विंटन डिकॉक के आगे हैरी ब्रुक, ब्रुक मतलब धुआं धुआं से हो गए, तो क्विंटन डिकॉक आगे, हैरी ब्रुक बहुत ही ज़्यादा पीछे। उसके बाद आगे चले, इधर हैं टेम्बा बमुमा, भैया इतना सा लौंडा है पूरी साउथ अफ्रीका टीम को चलाता है, क्यों चलाता है भैया, कप्तान है तो यही चलाएगा ना, लेकिन जो परफॉर्मेंस है ना भाई साहब की वर्ल्ड कप में आते ही धुआं धुआं सी होगी, मतलब इतनी खराब कप्तान की परफॉर्मेंस है। टेम्बा ऐसे काम नहीं चलेगा, जैसे पहले खेलते थे वैसे खेलोगे तभी मज़ा आएगा। तो टेम्बा को ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, लेकिन जो करंट फॉर्म है वर्ल्ड कप में वो थोड़ा सा गई गुजरी है। इधर है डेविड मलान, डेविड मलान की बात करें तो एक्सपीरियंस इनको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जो करंट फॉर्म है ना वो बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा खेल रहा है डेविड मलान, सभी मैचों में रन बना रहे हैं, एक आता मैच छोड़ दिया जाए तो सभी मैचों में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है किसने, डेविड मलान ने। तो भैया यहाँ पे जो डेविड मलान है ना मलाई की तरह बिल्कुल आ गए, टेम्बा ममूमा छोटा है तो छोटा ही पड़ गया डेविड मलान के सामने। उसके बाद आगे चले तो इधर है जो रूट, 7 अजूबा में 1 अजूबा अपना जो रूट भी है, जो रूट की जो करंट फॉर्म है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और जो एक्सपीरियंस है बताऊँ सबको पता है कितना एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, मतलब 7 अजूबे में आता है। तो इधर राशिफ फंडर डोसन के सामने कोई मुकाबला नहीं है जो रूट का, क्योंकि राशिफ फंडर मैं मानता हूँ टेक्निकल बहुत ज़्यादा मजबूत है, पिछले 10-12 मैचों में एक बढ़िया पारी आई है श्रीलंका के सामने शतक, बाकी सब में फ्लॉप। तो जो करेंट परफॉर्मेंस है राशिफ फंडर डोसन की उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और एक्सपीरियंस की बात करें तो जो रूट है ना बाप लगते हैं किसके, राशिफ फंडर डोसन के। तो यहाँ पर जो अजूबा है जो रूट, राशिफ फंडर डोसन से बहुत ही ज़्यादा आगे नजर आ रहा। उसके बाद इधर होंगे कौन, एडम माक्रम, माक्रम साहब की बात करें तो कमाल का बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक है, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो 1-2 मैच में चलते थे, 1-2 मैच में ये फ्लॉप भी हो जाते, थोड़ा बहुत ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी डालते हैं, लेकिन अभी तक ज्यादा गेंदबाजी कराई नहीं गई एडम माक्रम से, मतलब ऑलराउंडर बढ़िया है, अच्छी परफॉर्मेंस भी करता है, लेकिन इधर अगर बेन स्टोक आ जाते हैं तो भैया बेन स्टोक आप सबको पता है ना मैच का हीरो बनता है, ये मतलब वो खिलाड़ी है जो 1 मैन आर्मी की तरह ना इंग्लैंड को बहुत सारे मैचेस जिताता है, क्योंकि जो इनकी बल्ले से परफॉर्मेंस होती है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, और वानखड़े में खेल रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी करके देंगे। जो पिछला मैच खेला था या अभ्यास मैच या जो न्यूजीलैंड के सामने खेला था, सभी मैचों में बढ़िया परफॉर्मेंस करके आए थे, इनकी जो करेंट फॉर्म है वो भी अच्छी है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो बेन स्टोक है ना वो एडम माक्रम से मुझे तो बढ़िया नज़र आ रहे थे, बेन स्टोक साहब आगे, थोड़ा सा एडम माक्रम पीछे। उसके बाद आगे चले, इधर है जोश द बोस, भैया बॉस तो बॉस होता है ना, लेकिन बॉस की परफॉर्मेंस की बात करें तो वर्ल्ड कप में बॉस तो छोड़ो, राजपाल यादव जैसे भी इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब इतनी घटिया,
कप्तान साहब बॉस बिल्कुल ना बन पा रहे हैं, एक्सपीरियंस बहुत है लेकिन जो परफॉर्मेंस करंट परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है जोस द बॉस के। इधर है हेनरी क्लासेन, क्लासेन की बात करें तो जितना बॉस को एक्सपीरियंस है उतना क्लासेन को एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो इनकी क्लास है ना ऐसी लगाते सामने वालों गेंदबाजों की ना, सामने वाले गेंदबाज सन्नाटा, मतलब बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो करंट फॉर्म है बहुत ज्यादा अच्छी है। एक्सपीरियंस की बात करते एक्सपीरियंस में जो बॉस हैं वो हेनरी क्लासेन से आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन जो करंट फॉर्म है यहाँ पे क्लासेन ऐसे आगे और बॉस ऐसे पीछे है। करंट फॉर्म में हेनरी क्लासेन आगे, तो कह सकते हैं मामला बराबरी का है, एक जगह बॉस आगे एक जगह क्लासेन आगे। उसके बाद आगे चले तो इधर है डेविड मिलर, मिलर की बात करें तो किलर है, मतलब सच में जिस तरह का ये फिनिश करते हैं ना बिल्कुल किलर है। पिछले मैच में खड़े थे, जीवन दान मिला था, लगा था मैच खत्म कर देंगे लेकिन हो जाता है, मतलब ये लड़का 40-50 रन सभी मैचों में आपको बना के देगा। करंट फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छी है, एक्सपीरियंस इनको बहुत ज्यादा बेहतर है। इधर है लियाम लिविंगस्टन, लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो कमाल का खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस की बात करें तो ठीक ठाक हो चला है, ये भी बहुत अच्छा फिनिश करते हैं। जो इनकी करंट फॉर्म है ना, एकाता मैच में रन नहीं बनाए, नहीं तो जब जब इनको मौका मिला रन इन्होंने बना के आए, और साथ में जो गेंदबाजी को ऑप्शन देते हैं, अगर लेफ्टी बल्लेबाज है तो ऑफ स्पिन, राइटी बल्लेबाज है तो लेग स्पिन डालते हैं, तो कमाल का ये खिलाड़ी नहीं एलियन कह सकते हैं हम इसको, इस लंबू को। इनकी हाइट भी इतनी लंबी चौड़ी, उसके बाद जो इनकी कारनामे होते हैं भैया इंसान किस एंगल से कहलाते हैं, मुझे तो एलियन ही लगते हैं। तो इधर एलियन और किलर दोनों बराबर के मुझे नजर आ रहे हैं, दोनों बढ़िया खिलाड़ी हैं। उसके बाद आगे चले तो आज मोइन चच्चा खेल सकते हैं, मोइन अली की बात करते हैं, एक्सपीरियंस कोट कोट के भरा, लेकिन जो करंट परफॉर्मेंस है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए इनको बाहर भी किया गया, लेकिन जो इंडिया में इनकी परफॉर्मेंस होती है वो बढ़िया रहती है, चाहे बल्ले से बात कर लो या गेंद से बात कर लो, क्योंकि कमाल का ऑलराउंडर है। इधर है मार्को यांसन, मार्को यांसन की बात करें तो कमाल की फॉर्म है, गेंदबाजी जब न्यू बॉल से करते हैं तो ऐसे स्विंग करवाते हैं कि सामने वाले गेंदबाज ना अपने पैर बचाओ, स्टंप बचाओ, स्लिप पे कैच मच दो, बहुत अच्छी, और सभी मैचों में बल्लेबाजी भी 30-35 रन, जितना इनका काम है जिस तरह के ऑलराउंडर है वो काम करके देते हैं, कौन, मार्को यांसन। अगर हम यहां पे देखें जो एक्सपीरियंस है मोइन अली का, उसमें मार्को यांसन थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं, लेकिन जो करंट फॉर्म है ना मार्को यांसन की बढ़िया है मोइन अली की पीछे, तो यहां पे जो मामला है वो मुझे थोड़ा सा बराबरी का नजर आ रहा है, क्योंकि मोइन की जो परफॉर्मेंस है करंट वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी मार्को यांसन परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। उसके बाद आगे चले तो इधर होंगे गेलार्ड क्वाडजी, गेलार्ड क्वाडजी की बात करें तो एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, जो परफॉर्मेंस होती है गेंदबाजी में, विकेट इनको मिलता है लेकिन थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं, तो हम कह सकते हैं विकेट टेकर गेंदबाज है, लेकिन थोड़ा सा साथ में महंगे होते हैं, थोड़ा बहुत बल्लेबाजी ये करके देते हैं अपनी टीम के लिए। इधर होंगे आज डेविड विली, डेविड विली की बात करें एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो करंट परफॉर्मेंस है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, न्यू बॉल से बहुत अच्छा स्विंग करवाते हैं लेकिन डेथ में थोड़ा सा पीटे जाते हैं, और ये भी ठीक ठाक बल्लेबाजी करके देते हैं। तो अगर हम यहां पर भी देखें एक्सपीरियंस भले ही डेविड विली को ज्यादा है, लेकिन जो करंट परफॉर्मेंस है ना उस परफॉर्मेंस में बराबर की टक्कर देते नजर आ रहे हैं गेलार्ड क्वाडजी, किसको, डेविड विली को। उसके बाद आगे चले थे इधर होंगे कौन, आदिल रशीद, आदिल सज्जा की बात करें तो कमाल के गेंदबाज है, जो हमेशा बढ़िया स्पिन गेंदबाजी करके देते हैं इंग्लैंड को, इंग्लैंड के खेमे में ना सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन है तो आदिल रशीद है, जिनके पास बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है और हमेशा कमाल की गेंदबाजी करते हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत आदिल भी बल्लेबाजी करके देते हैं। इधर होंगे केशव महाराज, केशव महाराज की बात करें तो महाराज जी जो करेंट परफॉर्मेंस है महाराजों की तरह बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, मुझे लगा नहीं था कि केशव महाराज इतनी बढ़िया गेंदबाजी करेंगे लेकिन कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं केशव महाराज, थोड़ी बहुत ये भी बल्लेबाजी करके देते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें इनको भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, लेकिन जो आदिल चचा की परफॉर्मेंस है ना उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिटिल बिट केशव महाराज आदिल लसीद से पीछे नजर आ रहे हैं। उसके बाद आगे चले तो इधर है कगिसो रबाडा, जी सर, जो सबका करते हैं कबाड़ा, मैं ऐसा नहीं कहता, ऐसा आकाश चोपड़ा कहता है, मुझे लगता है कगिसो रबाडा रबड़ी बना देते हैं सबकी, रबड़ी बना के पी जाते हैं बल्लेबाजों की, मतलब जो करंट फॉर्म है रबाडा की जबरदस्त खतरनाक है, लेकिन डेथ में थोड़ा सा महंगे साबित हो रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। तो जो इनकी गेंदबाजी है बहुत अच्छी चल रही है, किसको, कगिसो रबाडा के। एक्सपीरियंस की बात करें आप सबको पता है एक्सपीरियंस तो इनके अंदर कूट कूट के भरा है। इधर है माकुड, माकुड की बात करें तो ये भी काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, लेकिन जो करंट परफॉर्मेंस है भाई साहब ना वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही, एक आता इनको विकेट मिल जा रहा है लेकिन काफी ज्यादा महंगे साबित हो रहे हैं। तो भैया माकुड से ना कगिसो काफी ज्यादा आगे नजर आ रहे थे, यहाँ पे कगिसो आगे मार्क पीछे। उसके बाद और आगे चले तो इधर है रीस टॉपली, रीस टॉपली की बात करते इनको भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, न्यू बॉल से कमाल की गेंदबाजी करते हैं, जो इनका स्विंग है वो जबरदस्त होता है, मतलब जो करंट फॉर्म है रीस टॉपली की बेहतर है और साथ में ठीक ठाक एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं। इधर है लुंगी एंगडी, लुंगी एंगडी की बात करें ये भी विकेट टेकर गेंदबाज है, न्यू बॉल से ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं लेकिन रन तो देते रहते हैं, साथ में विकेट मिलता है, डेथ में भी काफी ज्यादा महंगे साबित होते हैं।
ठीक ठाक लूंगे, एंगेडी को भी एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे लगता है रीस टोपली की जो परफॉर्मेंस है ना वो थोड़ा सा आगे लेके जा रही है लूंगी एंगेडी से। तो भैया हमने यहाँ पे ना सभी खिलाड़ियों को कंपेरिजन कर लिया, कंपेरिजन के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो मुझे लगता थोड़ा लिटिल बिट भले इंग्लैंड अंग्रेजों ने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक ना दी हो, लेकिन जो खिलाड़ियों के हिसाब से देखें तो जो अंग्रेज की टीम है ना साउथ अफ्रीका से थोड़ा सा आगे नजर आ रही है। वहीं दोस्तों हम पूछते हैं आज का सवाल, जिसका सही जवाब देके ना आप 5100 रुपये का गिब्बे अपने नाम पे कर सकते हैं। तो भैया जो आज का सवाल है वो ये है, कौन सा बल्लेबाज ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा चौके और छक्के लगाएगा। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो आज के मैच में, या कौन सा खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा चौके छक्के लगाएगा, मतलब चौके भी खूब मारेगा छक्के भी मारेगा, मतलब किसी बल्लेबाज ने 5 चौके लगाए 3 छक्के लगाए तो उसकी 8 बाउंड्री हो गई, ओवरऑल कितने चौके छक्के सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी लगाएगा उसको आपको प्रेडिक्ट करना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपका जवाब सही रहा तो आप 5100 रुपये अपने नाम पे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले टर्म एंड कंडीशन देख ले, ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो सकता है जीत कर भी हार जाएं। तब तक मैं आपको बता दूं, जो पहले 4 लोग सही जवाब देंगे उनको मिलेगा 5500 रुपये, जो अगले 10 लोग सही जवाब देंगे उनको मिलेगा 2200 रुपये, अगले जो 11 लोग सही जवाब देंगे उनको मिलेगा 100 रुपये। तो अभी कमेंट बॉक्स में जाओ, बताओ कौन सा खिलाड़ी ऐसा होगा जो आज के मैच में सबसे ज्यादा चौके छक्के लगाएगा। अगर आपका जवाब सही रहा तो आपका गिब्बे हो जाएगा, टोटल 25 लोग ये गिब्बे जीत सकते हैं। जब कमेंट बॉक्स में अपना जवाब कमेंट करने जाना ना, तो कमेंट करने के बाद जो सबसे पहला कमेंट होगा वो मेरे टेलीग्राम की लिंक होगी, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है कि अगर आप गिब्बे विनर बनोगे तो जो आपका नाम अनाउंस है मतलब बताया जाएगा कि आप गिब्बे जीत गए कहां पे, टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं कंपेरिजन और। तो इंग्लैंड की बात करें अगर हम यहाँ पे लास्ट 6 मैच की, तो 4 मैच जीता 2 मैच हारा, तो मतलब इंग्लैंड ने लास्ट के 6 मैचों में बहुत ज़्यादा खराब नहीं किया, 2 ही मैच तो हारा 4 मैच जीते, लेकिन वो दोनों मैच वर्ल्ड कप में हारे हैं, तो इनको थोड़ा ये सुधारना पड़ेगा। तो लास्ट 6 मैच की जो परफॉर्मेंस है इंग्लैंड की ठीक ठाक है, साउथ अफ्रीका की बात करें तो इनकी और भी ज़्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस है, क्योंकि लास्ट के 6 मैच में बस 1 मैच हारा 5 मैच जीते, जो पिछला मैच नीदरलैंड से हारा बस वही मैच हारे, बाकी लगातार बैक टू बैक मैचेस जीत कर आए हैं साउथ अफ्रीका। इस दौरान जो इंग्लैंड का बल्लेबाजी अब 283 रनों का, जिसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जबरदस्त है खतरनाक नहीं कहेंगे। साउथ अफ्रीका की बात करें 293 रनों का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ओडीआई में 293 का बल्लेबाजी अब, मतलब साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी बढ़िया चल रही है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो 5.58 साउथ अफ्रीका का गेंदबाजी एवरेज है, जो मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, मतलब इनके गेंदबाज विकेट निकालने के साथ साथ थोड़ा सा रन भी लुटा रहे हैं। बात करें अगर हम यहाँ पे इंग्लैंड की, तो 5.47 मतलब इंग्लैंड का भी वही चल रहा है, इनके गेंदबाज विकेट निकालने के साथ साथ थोड़ा सा रन भी लुटा रहे थे। अगर हम यहाँ पे देखें रिजल्ट में लगभग मामला बराबरी का है, बस 1 मैच साउथ अफ्रीका थोड़ा सा ज़्यादा जीता है। बल्लेबाजी एवरेज की बात करें यहाँ पे 10 रन से आगे है, मतलब जो बल्लेबाजी एवरेज में देखें 10 रनों से साउथ अफ्रीका इंग्लैंड से आगे है, लेकिन गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो मामला मुझे थोड़ा सा बराबरी का नजर आ रहा है, या 19-20 में बोलेंगे थोड़ा सा लिटिल बिट जो इंग्लैंड की गेंदबाजी एवरेज है वो साउथ अफ्रीका से बेहतर है। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम है जो उड़ा के ले जाएगी मैच यानी जीत का झंडा गाड़ेगी, चलो जानते हैं। लेकिन उससे पहले इतने सब्सक्राइबर का लोगो दिख रहा होगा, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो भाई का सपोर्ट करना बनता है ना, कुछ भी तो नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद अगर हम इस मैच की बात करें, ये जो मैच है ना वो मुझे 50-50 लग रहा है, 50 अंग्रेज का यानी इंग्लैंड का, 50 साउथ अफ्रीका का। लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे लगता है ये जो मैच है ना टीम साउथ अफ्रीका अपने नाम पे कर सकता है, लेकिन मैं बोलूँगा साथ में मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इस मैच की जो फाइनल प्रेडिक्शन है वो मेरे टेलीग्राम पर ही आएगी। और आपको तो ये भी बताया ना वर्ल्ड कप में जबरदस्त मैचेस चल रहे हैं, तो जबरदस्त मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन कहाँ पे मिल रही, भाई साहब मेरे टेलीग्राम पे मिल रही है, तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। बस एक काम करना है, फेक से बचना है, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए, तो इधर उधर और कहीं से ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहाँ पे जो लिंक मिलेगी, बस वहीं से टेलीग्राम ज्वाइन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए God bless you.